अभी जो गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो अगर हम प्लेन शीट की यहाँ पर बात करते हैं तो आप सिंपली ये फॉर्मूला के कंसेप्ट में अगर समझना है तो ये डायग्राम को पहले ऑब्जर्व कीजिए। जैसे हमने प्रीवियसली सिलिंड्रिकल सरफेस के बारे में बात किया, वो सिलिंड्रिकल सरफेस से थोड़ा रिवर्स फिनोमेना यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ के जो दो एंड पॉइंट्स है उसमें, दो एंड पॉइंट्स में ये दो एरो एक क्या इंडिकेट कर रहे हैं, बेसिकली इट इंडिकेट्स द वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, माने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पर्टिकुलर सरफेस एरिया, वो दोनों पैरेलल है। माने दो एंड पॉइंट आप देखो तो वहां दोनों आपको एरो पैरेलल मिलते हैं, और यहाँ जो बीच पॉइंट में है माने वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, वो 90 डिग्री के रिलेशन में है। सो इट सेज दैट कि यहाँ जब आप फ्लक्स फाइंड करने चले तो यहाँ पर आपको सिंपली एक पोजीशन ऐसी है वहां पर फ्लक्स जीरो मिलेगा, और दो पोजीशन ऐसी है वहां पर आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा, और वो जो फ्लक्स मैक्सिमम है दैट इज ई ए, और वो दो पॉइंट पर आपको सिंपली मिलेगी, तो वो दोनों को मिला के आपको हो जाएगा 2EA। सो यू कैन सी दिस, वो दोनों मिला के क्या हो गए 2EA, और हमारा जो बेस गॉस लॉ है वो तो फिक्स ही है, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सिंपली जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये Q को हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा इंटू ए के साथ, ये ए और सामने LHS में भी ए, तो दोनों ए क्या हो गए कैंसल हो गए। सो हमारा जो सिंपल उसके बाद जो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा वो हमें सिंपली E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फाइनली मिला। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पर से आपको गुड सेट में न्यूमेरिकल्स माने के MCQs आ सकते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड एंड रिकॉल दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला परफेक्टली। अभी इसके साथ एडिशनली आप, मैंने एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला डेरिवेशन दिया है वो भी आप याद रखना। उसमें इट इज अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ 11th एंड 12th, मींस अगर आप ये पोजीशन देखोगे तो आपको चार्ज वैल्यू दिखाई देते हैं, यहाँ एक सिंपली थीटा बनता है, ये आप देख सकते हो ये जेड बना, जैसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये जो थीटा का रिलेशन यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, हमारा 11 का बेस पॉइंट कॉन्टेक्ट टू कॉस माने ये थीटा के नजदीक में जो है वो बनेगा हमारा कॉस कंपोनेंट। ऑब्वियसली यहाँ पर एक टेंशन फोर्स इंडिकेट हो रहा है तो कंपोनेंट क्या लिखना है टी कॉस थीटा, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट माने वाई एक्सिस के लिए जो होगा वो कंपोनेंट क्या होगा टी साइन थीटा। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू फोर्स आ रहा है, मैंने जैसे पहला कंसेप्ट करवाया दैट इज एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ऑब्वियसली कोई भी एंगल पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लगा लो उसका वेट फोर्स ऑलवेज कहाँ रहेगा, वो तो ग्रेविटी की ओर ही रहेगा, तो उसका बेस वैल्यू क्या आया एम जी। नाउ यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों पर्टिकुलर फोर्स कंपोनेंट को माने वन दैट इज टी कॉस थीटा एंड सेकेंड वन दैट इज एम जी, वो दोनों डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हो, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। एट द सेम टाइम जब आप ये दो टी, एक टी साइन थीटा और दूसरा क्यू ई, वो तो जो देख रहे हो उसको भी आप इक्वेट कर सकते हो, वो दोनों को जब इक्वेट किया उसके बाद ये दोनों का रेशियो लो तो टी टी क्या होगा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वुड बी कंसिडर्ड विद द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, देन क्यू ई अपॉन एम जी वुड बी देयर। सी कीप इन माइंड जैसे हमने यहाँ ई का फॉर्मूला डिराइव किया वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, तो वही ई यहाँ पर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। सो प्लीज कीप इन माइंड आपको कई बार एग्जाम में थीटा वैल्यू आइडेंटिफाई करने का भी एक सिंपल एमसीक्यू पूछ सकते हैं,
तो उस केस में आप देख सकते हो Q वैल्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2, मास, ग्रेविटी, एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द गिवन क्वांटिटीज, और उसमें से आपको थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। सी, यही जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है प्लेन चार्ज शीट का, उसको थोड़ा अगर हम एक्सटेंड करें तो वो एक्सटेंशन के तौर पे हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें मैंने यहाँ पर 3 से 4 ऐसे कंसेप्ट लिए हैं जो सीधा एमसीक्यू के कंसेप्ट में आपको पूछ सकते हैं। माने अगर ये कंडीशन है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लुक एट ओवर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पैरेलल प्लेट्स विथ चार्ज डेंसिटी σ1 एंड σ2। माने हम 2 पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, वो दोनों पॉजिटिव है, तो उस केस में आउटसाइड द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। हमको मालूम है हमारा बेस फॉर्मूला क्या था, σ/2ε0। लेकिन यहां पर 2 प्लेट है तो उस केस में आउटसाइड द प्लेट, कीप इन माइंड एमसीक्यू के लिए ये हिंट वर्ड है आउटसाइड द प्लेट, और उस केस में यहां पर क्या है, σ1 + σ2/2ε0। सो ये आपको करेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा। सेम अगर वो इनसाइड द प्लेट होगा, तो उस केस में ये प्लस की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस। नाउ अनदर 2 क्वेश्चंस कैन आल्सो बी फ्रेम्ड ओवर हियर। लुक एट, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहां पर 2 इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज वैल्यू है, पैरेलल प्लेट्स हमने कंसीडर किया है। सो उस केस में अगर आपको ऐसा पूछे इक्वल ऑपोजिट चार्ज में आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बना है, E=0, और इनसाइड पॉइंट्स के लिए यहां फॉर्मूला क्या बना है, E=σ/ε0। मूविंग फॉरवर्ड टू द 3rd एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। सो उस केस में हमारा जो बेस फॉर्मूला होगा दैट इज Q=σ A। यहां पर समझना कि यूनिफॉर्मली चार्ज माने सरफेस एरिया के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस की बात करते हूं तो उसका सीधा जो यहां पर फॉर्मूला हमें मिलेगा दैट इज नथिंग बट दी 4πr². अभी मैं सिंपल एक बात करूं कि जहां पर हमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर की बात करनी है, और वो कंसेप्ट में यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयरिकल शेल के लिए 2 पॉइंट्स हम डिफाइन करेंगे। 1 दैट इज अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द शेल, एंड 2nd वन दैट इज अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल। सो यहां पर जब हम सरफेस इनसाइड दैट मींस लाइंग इनसाइड द शेल जब बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते कि होलो सरफेस होगा तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा तो Q का वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर Q इटसेल्फ 0 हो जाएगा तो उस केस में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। सो इन दैट केस फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 0। माने कि हम बोल सकते हैं जब इनसाइड सरफेस होगा तो चार्ज वैल्यू 0 होने की वजह से फ्लक्स वैल्यू 0 और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। लेकिन जब आप आउटसाइड द शेल की बात करोगे तो आउटसाइड द शेल माने पूरा सरफेस इंटीग्रेटेड वैल्यू में आपको कंसीडर करना है। जब इंटीग्रेटेड वैल्यू में आप कंसीडर करोगे तो उस पॉइंट से आपको यहां पर क्लियरली आइडेंटिफाई होगा कि ये स्फेरिकल सरफेस एरिया आपने क्या रखा, 4πr², तो उसमें से ई को जब सब्जेक्ट बनाया, नाउ यू कैन सी दैट यू विल गेट अगेन योर ओरिजिनल फॉर्मूला दैट इज E=KQ/r², जो हमारा बेस फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है। माने हमने यहां पर उसको फिर से प्रूव किया। नाउ आफ्टर प्रूविंग दिस यू वी कैन सी दिस द पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ E वर्सेज आर लुक एट ओवर हियर।
जब तक आप इनसाइड पॉइंट की बात करोगे वहां पर कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। जैसे ही आप ये स्फेरिकल सरफेस में आए, माने ये सेंटर से लेकर यहां तक, वो टोटल वैल्यू क्या मिला आपको, जीरो मिला। लेकिन जब आप ये सरफेस पर आए तो यहां पर वो वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। और जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकले तो वो डिक्रीज होने लगा है और वो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन फॉलो करता है। प्लीज कीप इन माइंड, ऐसा ही एक ग्राफ आपने स्टैंडर्ड 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में ऑलरेडी लर्न किया था। मींस यू कैन आल्सो थिंक अबाउट दैट एंड यू कैन कोरिलेट इट। वहां पर हम अर्थ की बात कर रहे थे, दैट मींस ये पूरे कॉन्सेप्ट जब आप मैकेनिक्स को सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो सकते हैं। नाउ अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। माने हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था वो क्या था, Q इज इक्वल्स टू रो इनटू V। जब स्फेरिकल सरफेस होगा तो V की जगह क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यस और नो, 4/3 पाई आर क्यूब विल बी देयर। अगर हम इनसाइड पॉइंट लेते हैं, माने समझ लो आपका मैक्सिमम रेडियस वैल्यू R है, उससे आप कम वैल्यू में जाते हो, माने आपका रेडियस डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली उसके इफेक्टिव चार्ज में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो चेंज हमने यहां पर इंट्रोड्यूस किया। ये जो रो वैल्यू है वो कहां से आएगा, तो आप देख सकते हो ये जो रो था उसको यहां पर सब्जेक्ट बनाया तो उसका इक्वेशन यहां पर रिप्लेस हो गया। दैट मींस हम यहां पर एक इफेक्टिव चार्ज वैल्यू फाइंड करने लगे हैं जिसमें इफेक्टिव डिस्टेंस आर डैश हमने लिया हुआ है। माने एक छोटे से आर्डेस डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव चार्ज वैल्यू इनसाइड द स्पीयर क्या मिलेगा वो हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। और फाइनली वो जो चार्ज वैल्यू हमें मिलता है, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर डैश क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, राइट। नाउ अभी सिंपली ये जो इफेक्टिव चार्ज हमें मिला है उसको हम गॉस लॉ में रिप्लेस करते हैं। माने जो चार्ज वैल्यू है वो यहां पर हम रिप्लेस करेंगे और उसका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम फाइंड कर सकते हैं। प्लीज कीप इन माइंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर MCQs। सी इसमें से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कैलकुलेटिव बेस पर नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ये दोनों ग्राफ आप याद रखना, ये थर्ड और फोर्थ एप्लीकेशन में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसमें से ही ज्यादातर MCQs आते हैं। सो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह से समझिए, प्लीज डोंट मग अप इट। सो यू कैन सी दिस, व्हेन वी हैव अ थॉट ऑफ आउटसाइड द स्पीयर प्रोसेस, ऑब्वियसली वी कैन रिप्लेस अवर बेस फॉर्मूला। ऑलरेडी We have been gone through the standard formula, Q की जगह हम simply ये replace कर देंगे, हमारा base formula 4/3 pi r cube into rho, तो हमें यहाँ पर एक effective electric field फिर से मिल जाएगा। Now very important graph from this particular concept, which one is also important for MCQs, please keep in mind, ये y axis है, ये x axis है। y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, x एक्सिस ऊपर डिस्टेंस लिया हुआ है। जब हम वॉल्यूम कंसेप्ट में जाते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि ये सेंटर ऑफ द स्पीयर से ये सरफेस तक चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। माने यहाँ पर हमको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन ऑब्जर्व होता है, लेकिन जैसे ही हम सरफेस पर आते हैं वो एक पीक वैल्यू ऑब्जर्व होती है, माने मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही हम सरफेस के बाहर निकल जाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू धीरे 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 कम होता जाएगा, माने इट फॉलोज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। सो उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफिकल एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, विच वन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, उसमें से उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन इफ इट इज देयर वी मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग दैट। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, माने मान लो कि कोई एक पार्टिकल F1 है
उसके ऊपर सिस्टम के सारे पार्टिकल फोर्स इंडिकेट करते हैं। सो हम उसको इंडिकेट करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन वन बाय टू, फोर्स ऑन वन बाय थ्री, फोर्स ऑन वन बाय फोर, फोर्स ऑन वन बाय एन। सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो रिकॉल योर 11th स्टैंडर्ड। जैसे हम मैग्नीट्यूड के लिए याद करो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, याद आया? तो उस केस में ए बी को सिर्फ रिप्लेस करना है फोर्स वैल्यू से, ए की जगह एफ वन और बी की जगह एफ टू। यस, सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर सेशन आई वुड से दैट देयर इज अराउंड 13 टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टूडे। नाउ along with this lecture I will send you a specific sheet of MCQs which you have to solve down. If any queries are there, you will be given a specific shot for the doubt session, right? In that case you may call down and I will clear down all the doubts regarding that. Thank you very much.